नमस्कार बच्चों, रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के अंतर्गत हमने लाल रक्त कणों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। एनीमिया से संबंधित काफ़ी कारण हमने जाने और जाना कि एनीमिया जैसे रोग जो हैं वो किस कारण से हो जाते हैं। अब आगे के भाग में देखते हैं हमें रक्त की और कौन कौन से रहस्यों का पता चलता है। अनिल कहता है कि दीदी, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अब उसने दीदी ने क्या बात बताई थी कि कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो ज़मीन की सतह पर रहते हैं, उनके अंडे और उनके जो लार्वा हैं वो त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और आंतों में अपना स्थान बना लेते हैं। और इनसे बचने का उपाय बस यही है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें और शौचालय का प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना जाएं। इस बात को बताने के बाद दीदी से आगे और कुछ जानना चाहता है अनिल, और इसलिए वह थोड़ी देर सोच में डूबा रहता है और फिर कहता है कि आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। देखो, अभी तक हम केवल लाल रक्त कणों की बात कर रहे थे, अब सफ़ेद रक्त कण और जिसे जो बिना रंग के होते हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनका क्या काम है शरीर में, वो क्या करते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। अब देखो, जो सफ़ेद कण हैं उन्हें वीर सिपाही कहा गया है, क्योंकि वो सिपाहियों का क्या काम होता है, रक्षा करने का। तो देखो, वो कैसे रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर नहीं आने देते। कहने का तात्पर्य है कि आप इन्हें ऐसे मान सकते हैं कि यह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब बारी आई बिंबाणुओं की, उनका क्या काम है चलिए जानते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करना। आपने देखा होगा कि जब हमको चोट लग जाती है और हमारा खून निकलने लगता है तो वह बहता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह वहाँ पर एक थक्का सा जम जाता है और हमारा खून जो है वो रुक जाता है। अगर ये बिंबाणु ना हो और लगातार खून बहता रहे तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो बिंबाणुओं का क्या काम है, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। तरल भाग पहले बताया था कि दो भाग हैं, जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है और उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देता है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव बढ़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए यह काफ़ी लाभप्रद होता है, किंतु अगर अधिक रक्त बह जाए तो उस व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है।
दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है जो, क्या उसका खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को मुख्य चार वर्गों में बांटा गया है या बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तब? अनिल ने पूछा। होता है ऐसा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि व्यक्ति को खून की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो सेम ब्लड ग्रुप का हो, तो ऐसे में क्या काम आता है? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। कौन से बैंक? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जहाँ पर ब्लड को, रक्त को इकट्ठा करके रखा जाता है, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार करके रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। देखो बच्चों, ये एक समझने की बात है कि जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की खून की कमी नहीं आती, बल्कि नया खून और अधिक तेज़ी से बनता है। लेकिन 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति, बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति को ही, इस रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी वाला व्यक्ति रक्तदान करेगा और वो किसी को चढ़ाया जाएगा तो वो व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा, है ना? एक समय में एक व्यक्ति से लगभग 300 लीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, किंतु यह विचारधारा बिल्कुल निराधार है। हमारे शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। कितना? 300 मिली लीटर। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे भी दिया जाए और उसे जीवन, यह उसके लिए जीवन दान बन जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? फिर तो मैं बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार खून हमारे शरीर में कार्य करता है, किस रूप में होता है और किस प्रकार अलग अलग रूपों में हमारे शरीर के लिए सहायक होता है। पूरे शरीर में रक्त की कितनी अधिक आवश्यकता होती है, उसका एक एक कण उस भानुमति के पिटारे में, जो भी अनिल ने एक एक चीज़ देखी, वह सब कुछ बहुत ही आवश्यक है। अतः हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें और अपने खान पान का ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें और बाहर की चीज़ों को ना खाएं, और साथ ही आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें।
और इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।